और दोस्तों आप देख रहे हैं डबल ए न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है जहांगीरपुरी के ई ब्लॉक के नगर निगम के स्कूल में और आपको बता दें कि यहाँ पे बच्चों को मिड डे मील का सूखा राशन बांटा जा रहा है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तरी दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य अजय शर्मा जी। सर, निगम के जो प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी से दुर्गेश पाठक जी, उन्होंने ये आवाज़ उठाई, उसके बाद निगम जागा, अब ये बच्चों को दिया जा रहा है। क्या लग रहा है आपको, ये काम बहुत पहले ही कर देना चाहिए था? ये निगम का बहुत बड़ा फेलियर है और जो बच्चों का हक था वो निगम कहीं ना कहीं मार रहा था। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने दुर्गेश पाठक जी का, जिन्होंने एमसीडी को जगाया। और एमसीडी के अंदर बहुत सारी दिक्कतें हैं, पिछले 15-16 से एमसीडी के अंदर बीजेपी की सरकार बैठी है। मैं तो कहूँगा जो बच्चों का हक था वो बच्चों को बहुत पहले मिलना चाहिए था। चलो देरी से सही, पर लोगों बच्चों को हक मिल रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, ये पिछली बार जो कोरोना की जो दूसरी लहर थी, लॉकडाउन था पूरे देश में, दोबारा से दिल्ली में भी बहुत बुरी स्थिति, क्या ये काम जो है निगम को पहले ही कर देना चाहिए था? देखिए, मैंने आपको बताया ये बहुत बड़ा निगम का फेलियर था। ये जो आपको पहली ट्रंप के बच्चों को राशन देना चाहिए था, तो वो कहीं ना कहीं निगम फेलियर रही है। तो फंड का भी बहुत सारा इशू है, क्योंकि 15 साल से हमेशा यही चिल्लाते आ रहे हैं कि हम पे पैसा नहीं है, फंड नहीं है, इसलिए बच्चों का हक भी मारा था। पर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय दुर्गेश पाठक जी का, तो दिल्ली के प्रभारी है, जो हमेशा एमसीडी को जगाते रहते हैं और एमसीडी का जो जो भ्रष्टाचार है वो उजागर करते रहते हैं, और एमसीडी भी कहीं ना कहीं उस मारे जागती है। सर, क्या कहना चाहेंगे, जब आम आदमी पार्टी ने आवाज़ उठाई उसके बाद निगम जागा, अब चुनाव ही सर पर हैं, कुछ महीने ही रह गए इस चीज़। देखिए, आने वाले चुनाव के अंदर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी और सारे कर्मचारियों को टाइम टू टाइम वेतन मिलेगा। अगर 31 तारीख का महीना होगा तो 30 तारीख को वेतन मिलेगा। आज बहुत सारे कर्मचारी कच्चे में ही रिटायर कर दिए गए। एक हवा सिंह जी जो 31 साल ड्यूटी करने के बाद आपने कच्चे में रिटायर कर दिया, तो हमारी सरकार आएगी, हम कच्चे को पक्का भी करेंगे और जिन लोगों की सैलरी नहीं मिल रही उन्हें सैलरी टाइम टू टाइम देंगे। इन लोगों का डेथ केस का पैसा, पीएफ नहीं मिल पा रहा, इनका जो हेल्थ की पॉलिसी है, जो हर महीने एरियर्स, जो इनका हेल्थ की पॉलिसी है, हर महीने 1500 रुपये काटते हैं, वही पैसा ये अपने पैसों से ही प्राइवेट में इलाज नहीं करा पा रहे। तो आज एमसीडी की दशा बहुत ख़राब है। जितने भी कर्मचारी हो, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट के हो, चाहे हेल्थ के हो, चाहे एजुकेशन के हो, चाहे माली हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे डीबीसी कर्मचारी हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, सारे के सारे आज कहीं ना कहीं बहुत दुखी है। तो एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी और मजबूती से आवाज़ भी उठाएगी और मजबूती से लोगों को काम भी कराएगी। अब आप कह रहे हैं कि निगम के पास पैसा नहीं है, बजट की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, अब ऐसा क्या जादू की छड़ी घूमी या क्या चमत्कार हुआ जो आम आदमी पार्टी ने आवाज़ उठाई और तीसरे चौथे दिन ही ये जो है बटने लगा लोगों? देखिए, एमसीडी एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त है और कहीं ना कहीं उसे जगाना पड़ता है, भ्रष्टाचार का उजागर करना पड़ता है। ऐसे ही वो झांसी रानी फ्लाईओवर बनाया था, जहाँ वो 300 करोड़ का बनना था, वो 700-800 करोड़ में पहुंच गया। तो ये तो घोटाले में नंबर वन है, इन्हें कहीं ना कहीं जगाना पड़ता है। विपक्ष में मजबूत पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो आए दिन कुछ ना कुछ अच्छा करती है, जनता के लिए अच्छा करती है, तो इसलिए उन्हें कहीं ना कहीं मजबूरन जनता के लिए काम भी करना पड़ता है। अच्छा, हमारा एक आखिरी सवाल, अब निगम के चुनाव कुछ ही महीने रह गए हैं, अब क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार होगी इस बार नगर निगम में? दिल्ली में 272 में से लगभग 200 प्लस हमारी सीट आएगी, उम्मीद तो यही है कि 250 प्लस आएगी, पर मैं 200 प्लस की गारंटी लेता हूँ कि दिल्ली के जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो एमसीडी के किसी डिपार्टमेंट में, वो चाहते हैं कि एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आए, और दिल्ली की जनता भी चाहती है, क्योंकि दिल्ली में जगह जगह कूड़े के ढेर है। आपने देखा 2 घंटे की बारिश के अंदर पूरी दिल्ली पानी पानी हो गई थी, पर आने वाले 6-7 महीने के बाद जो इलेक्शन आने वाला है उसके अंदर दिल्ली में एमसीडी की सरकार बनने वाली है आम आदमी पार्टी की। मिड डे मील बच्चों को दिया जा रहा है, कितने महीने का दिया जा रहा है और कितने महीने का बच्चों का रुका हुआ है? अभी ये 7 किलो चने की दाल और 2 किलो रिफाइंड दिया जा रहा है, अभी इसके अंदर और भी राशन आना है, जैसे जैसे राशन आता रहेगा वैसे वैसे बांटते रहेंगे। देखिए, ये निगम का बहुत बड़ा फेलियर है, जो 7-7 महीने का, 8-8 महीने का राशन जो बच्चों को पहले मिल जाना चाहिए था, जिनके उनके घर बच्चों को जो पौष्टिक आहार मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। पर मैं तो धन्यवाद दोबारा से दुर्गेश पाठक जी का करना चाहूँगा कि उनकी आवाज़ उठाने के बाद एमसीडी के अंदर आज कम से कम इन मासूम बच्चों का जो हक है वो उन बच्चों को मिल रहा है। देखिए, ये थे हमारे साथ स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य अजय शर्मा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये बच्चों का जो मिड डे मील है, एक एक साल का रुका हुआ है, ये काम निगम को पहले ही कर देना चाहिए। लेकिन जब आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर आवाज़ उठाई और उसके बाद निगम जागा और उसके तीसरे या चौथे दिन ही हम कहें निगम ने ये बच्चों को सूखा राशन बांटना शुरू कर दिया गया है। साथ ही इनका ये भी दावा है कि जैसे ही निगम के चुनाव होंगे आम आदमी पार्टी ही निगम में शासित होगी। मैं कुलदीप कुमार, डबल ए न्यूज़।